हम होंगे कामयाब एक दिन। कोरोना की जंग तो अब यही साबित करती नजर आने लगी है। सोमवार की दोपहर करीब 1:45 बजे सेलाना रोड स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज के परिसर में चिलचिलाती धूप के बीच ढोल की थाप गूंजते ही ये गुलाबी सलवार सूट पहने 75 वर्षीय वृद्धा आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास वाली बिखेरती मुस्कान लेकर बाहर निकली। परिसर में खड़े दर्जनों लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करने से नहीं चुकी। कारण साफ था, ये वृद्धा कोरोना की जंग जीत कर आई है। फिर जीत तो जीत है, ऐसे में खुशी और जश्न तो मनना ही था। सिर्फ वृद्धा ही नहीं, बुधवार को पूरे 6 लोगों ने इस जंग को जीता है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज ने कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी, कॉलेज डीन संजय दीक्षित की अगुवाई में छुट्टी दी गई। कोरोना का हरा कर घर पहुंचे मरीजों की इस जीत में तालियां भी बज उठी। मरीजों के साथ कलेक्टर, एसपी और कॉलेज स्टाफ ने विक्टर दिखाकर जीत का जश्न मनाया। इन 6 मरीजों की छुट्टी के बाद अब रतलाम में कोरोना पेशेंट की संख्या 4 बची है, जबकि अब तक 18 मरीज यह जंग जीत कर घर जा चुके हैं। हमें घर जैसी सुविधा मिली, हमारा पूरा ध्यान रखा गया, कोई तकलीफ नहीं हुई, अब इन्हें छोड़कर घर जाने का मन नहीं करता है। ये बात कही है कोरोना की जंग जीतने वाली 75 वर्षीय दादी ने। दादी ने भी उपचार के दौरान मेडिकल टीम को पूरा सहयोग दिया। बकरीदन भी अच्छा, अच्छी तरह से व्यवहार किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबको देखा, छोड़ के जाने में मेरे को रोना आ रहा, इतने बच्चे मेरे बहुत प्यार से मेरे साथ करें, बहुत अच्छी तरह से रखे, सब सब सही, बिल्कुल गोली दवा खाना पीना सब सही, कुछ कमी नहीं। क्या करूँ, अब हमको ये भाई नहीं आता मालूम ही, आप लोग जो बोल दे वही बोलेंगे। इसी तरह दूसरे मरीज ने उपचार के दौरान अच्छी सुविधा और अच्छा व्यवहार करना बताया, साथ ही इस बीमारी से निपटने के लिए गर्म पानी पीने की सलाह दी है। मेरा नाम फारूक खान, बहुत अच्छा रहा, बहुत रहा, मतलब तारीफ करने में शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मेरे बहुत अच्छा, मेरे भाई जैसा रखा मुझे, और बहुत अच्छा सभी डॉक्टर लोगों का अच्छा, नर्स स्टाफ का सभी का अच्छा रहा। किसी बात की परेशानी जो मांगा वो देते, टाइम टाइम पे बुला के पूछते, पानी वानी पूछते, चाय का पूछते, चाय देते, बिस्कुट देते, दूध देते, सभी देते, किसी बात का कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा रहा। मैं संदेश ये है कि सब सुख खुश रहे और गर्म पानी पिए, कुनकुना करके, बस सर ये है। और ऐसा हो जाए कोरोना का, अल्लाह ने चाहा तो खत्म हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज से 6 मरीजों की छुट्टी होने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने मेडिकल टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने बताया उज्जैन रेफर किए गए मरीज की भी आज छुट्टी हो जाएगी। रतलाम में जांच शुरू हो गई है, जिसकी पहली रिपोर्ट आज शाम तक मिलेगी। रतलाम में आज हमारे जो कुल 10 एक्टिव केसेस बचे हुए थे, उसमें से आज 6 लोग यहां से डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इस प्रकार से अब रतलाम में जो एक्टिव पॉजिटिव केसेज हैं वो केवल 4 बचे हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि एक जो हमारी पेशेंट है वो 75 वर्ष की महिला है, तो ये इस पूरी बात को सिद्ध करता है कि अगर पेशेंट का भी पॉजिटिव एनर्जी हाई हो और उसको ट्रीट करने वाली टीम बहुत अच्छी हो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हों, उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करें, तो हम किसी को भी अच्छा ट्रीट करके और पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव बना करके, कोविड नेगेटिव बना करके बाहर ला सकते हैं। तो मेरी सभी पूरी जो डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल्स की, नर्सेस की टीम है, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और निश्चित रूप से ये हमारी पूरी टीम का मनोबल बहुत बढ़ाती है, जो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं, अपने हर संभव तरीके से हर प्रयास कर रहे हैं। तो एक आज बहुत ही बड़ी उपलब्धि का दिन है, और हमें विश्वास है कि हमारे जो बाकी 4 पेशेंट्स हैं उनको भी जल्दी से हम लोग ठीक करके यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे, वो भी आज डिस्चार्ज होके वापस अपने घर पहुँचेंगे। जी, आज हमारा फर्स्ट बैच ऑफ टेस्टिंग प्रारंभ हुआ है, तो एक रूटीन जो साइकिल है इसका, एक्सट्रैक्शन इत्यादि में जो लगता है, वो मिनिमम 8 आवर्स का टाइम लगता है, तो संभवतः शाम तक हम लोगों की पहली रिपोर्ट आनी चाहिए।
17 मई तक लॉकडाउन जारी है। प्रशासन ने ऑरेंज जोन में आए शहर के कारोबार को संचालित करने के लिए अलग अलग आदेश जारी किए हैं। तय समय के लिए मिली छूट पर शहर की दुकानें खुली। शहर की रफ्तार ने ऐसी उड़ान भरी जैसे शहर और यहाँ के नागरिकों को लॉकडाउन से कोई मतलब ही नहीं है। शहर के बाजारों में ऐसी भीड़ होने लगी है जिसे धूप और सोशल डिस्टेंस की कोई चिंता ही नहीं है। भीड़ और खुलती दुकानों में मौके का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसी भी दुकानों के शटर खुल गए जिन्हें प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी है। बैंकों में भी जमकर भीड़ होने लगी है। प्रशासन ने धूप से बचने के लिए छांव और पीने के पानी का इंतजाम के साथ ही सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं जो बेअसरी साबित होते हैं। विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जा रहे भारी भरकम बिल को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है, लेकिन इन उपभोक्ताओं की कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई उपभोक्ताओं के बिजली के बिल 3 गुना तक आए हैं। ऐसे उपभोक्ता बिजली कनेक्शन कटने के डर से उक्त राशि जमा करने को मजबूर हैं। विद्युत मंडल द्वारा कोरोना महामारी की आड़ लेकर विद्युत उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग किए बिजली बिल भेजे गए हैं। जिस राशि के बिल भेजे गए हैं वो राशि पिछले वर्ष के इसी माह के बिल की राशि के बराबर है। इससे उपभोक्ताओं में आक्रोश है। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो पिछले एक माह से घर पर नहीं होकर बाहर गए हुए थे और उन्होंने विद्युत का उपयोग न के बराबर किया था, लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं के बिल भी पिछले वर्ष के इसी माह के आय बिल की राशि वाले दे दिए गए। विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं के साथ की जा रही इस लूट के खिलाफ कोई भी जनप्रतिनिधि आगे आकर अपना मुंह नहीं खोल रहा है, जिससे कि जनता में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी रोष व्याप्त है। मार्च अप्रैल लास्ट महीने में मैंने भरा था बिजली का बिल 2700 समथिंग। उसके बाद मैं एक महीने के लिए बाहर गया था, आउट ऑफ जिला डिस्ट्रिक्ट झब्बा पेटला देखने वाला हूँ। जब आया मैं तो लाइट का बिल अभी मैंने निकाला तो उस पर 9000 समथिंग बिल बताया है। ना कोई MPP वाला आए, ना कोई कर्मचारी रीडिंग लेने आए हैं। ये अंदाज मार को इनकी मर्जी से दे रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि मेरा जब रेगुलर बिल 2000 से ज़्यादा नहीं आता है तो ये 9000 का बिल कैसे आ गया एक महीने के अंदर। उसके बाद मैं पूरा एक महीना समथिंग मैं बाहर था। तो मेरा यही निवेदन है कि मेरा कैसे करके बिल का संशोधन किया जाए। गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को आगे पीछे करने की बात को लेकर हुए विवाद में वेयर हाउस के गेटमैन ने ट्रैक्टर चालक किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान को हाथ पैर में चोटें आई। पुलिस ने गेटमैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। घटना ताल थाना क्षेत्र के ग्राम कसारी की है। सरकार द्वारा किसानों के गेहूँ खरीदी केंद्र बनाए गए। कसारी स्थित वेयर हाउस पर गेहूँ बिक्री हेतु ट्रैक्टर ट्राली में भरकर किसान विजय पिता जुवान सिंह पहुंचा। उसने अपना ट्रैक्टर लाइन में खड़ा कर दिया। जब उसका नंबर आया तो वेयर हाउस के गेटमैन ने उसे ट्रैक्टर आगे लाने को कहा। जब किसान ने ट्रैक्टर आगे लाकर खड़ा किया तो कुछ देर बाद गेटमैन ने पुनः ट्रैक्टर पीछे ले जाने को कहा। इस पर किसान और गेटमैन का विवाद हो गया। विवाद के दौरान गेटमैन सलमान ने किसान पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। हमले में किसान को हाथ और पैर में चोटें आई। किसान के साथ हुई इस घटना से वहां मौजूद अन्य किसानों में आक्रोश छा गया। घटना की सूचना ताल थाना एवं ताल तहसीलदार को दी गई। ताल तहसीलदार एवं ताल पुलिस मौके पर पहुंची। ताल पुलिस ने किसान विजय सिंह की रिपोर्ट पर गेटमैन सलमान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि कसारी स्थित उक्त वेयर हाउस क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता का है। मैं आपका विजय डांगी। कहाँ रहते हो? कसारी। अच्छा, ये जो कसारी वेयर हाउस पे विवाद हुआ है जी, तो आप क्या लेने गए थे वहाँ? जी मैं वहाँ पे गेहूँ लेके गया था मेरे खुद का। अच्छा, तो ये विवाद किस तरह से हुआ? वो ट्रैक्टर आगे पीछे लेने में हुआ। जैसे ही मैं रोज की तरह ट्रैक्टर चल रहे थे, मैं भी अपना ट्रैक्टर लेके गया गेट के पास, तो यहाँ पे एक जो चौकीदार है उसका नाम है सलमान पठान, उसने आके डायरेक्ट बोला कि मैंने उसको टोकन बताया मैंने मेरे पास जो गेट पास था वो। उसके बाद उसने देखा, उसके बाद उसने बोला कि नहीं तेरा ट्रैक्टर नहीं जाएगा, तू पीछे ले ले। मैंने बोला तू पीछे वाले ट्रैक्टर को पीछे करवा दे, तो उसने बोला तू उसके ठोक दे। उसके बाद उसने आके ही डायरेक्ट मेरे एक लठ उसने ट्रैक्टर पे दिया और उसके बाद कम से कम 4 से 5 लठ उसने मेरे ऊपर बरसाए। उसके बाद फिर हमने शिकायत की पुलिस थाने। हाँ, कसारी उपार्जन केंद्र पे किसान विजय पिता जुवान सिंह डांगी अपना ट्रैक्टर लेके आए थे, तो जो वहाँ पे चौकीदार काम कर रहा था उन्होंने उनको ट्रैक्टर पीछे लेने के लिए बोला होगा। ट्रैक्टर आगे पीछे करने की बात को लेकर उन्होंने कहा सुनी और विवाद हो गया था। उस पर विजय पिता जुवान सिंह डांगी ने एक लिखित आवेदन चौकी कार्रवाला पर दिया है। इस पर चौकीदार सलमान खान के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इस मामले के तहत मामला पंजीकृत किया गया। सामान्य मारपीट का विवाद है, धारा 300 वहाँ पे वापस कार्य रेगुलर चालू हुए। हाँ, कार्य तो उस वक्त चालू हो गया था, क्योंकि वहाँ किसानों की दूसरी समस्या भी है। एक जो उपार्जन केंद्र वहाँ चार हो गए हैं, उससे वहाँ वाहनों की भीड़ लगती है। आज बहुत सारे किसानों ने नायब तहसीलदार महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, जो निश्चित रूप से नायब तहसीलदार महोदय ने एक दो दिन में खारवा मंडी में उपार्जन केंद्र चालू करने का आश्वासन दिया है, जो निश्चित रूप से एक दो दिन में समस्या हो जाएंगे। गुजरात में लॉकडाउन में फंसे मध्य प्रदेश के 29 जिलों के 1400 से भी ज्यादा मजदूर कामगार रतलाम एंट्री पॉइंट पर सोमवार को आए। रतलाम रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा लगातार चौथे दिन सुबह 6 बजे पहुंचकर यात्रियों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करवाए गए। उनके भोजन, पेयजल, छाछ इत्यादि व्यवस्था की गई, मेडिकल चेकअप किया गया, सामान का सैनिटाइजेशन किया गया। यात्री 34 बसों से अपने गृह जिलों की ओर रवाना हुए। किसे पता पड़ा कि ट्रेन वगैरह चल रही है? सर, वहाँ पे इनके पुलिस वालों ने बताया था, इन्फॉर्म किया था सभी लोगों को, तो वहाँ पे थाने में जाके सब फॉर्म वाम भर दिए, वो सुविधा की इन्होंने फिर ट्रेन। यहाँ पे आप ट्रेन में आए तो आपसे क्या टिकट वगैरह किराया लिया गया है या? जी नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया गया। तो खाने की व्यवस्था कैसी क्या रही? सब बढ़िया रही सर।